सृष्टि। या तरीका से शुरुआत में परमेश्वर ने सपाई चीज नाउन को बनाई, उन्हें 6 दिन में संसार को और जो कई ओके में है उन सपाई को बनाई। परमेश्वर के पृथ्वी बनान के बाद वह अंधारे से भरी और सुनसान पड़ी होती, काया कि अभी तक परमेश्वर ने ओके में कोई भी चीज को नहीं बनाई होती। मगर परमेश्वर को आत्मा पानी के ऊपर घूमत होती। तब परमेश्वर ने कही उजालो हो और उजालो भय गई। परमेश्वर ने देखिस कि उजालो साजरो है और ओको दिन कहिस और उन्हें ओको अंधारे से अलग करिस ओको रात कहिस। परमेश्वर ने सृष्टिकरण के पहले दिन में उजाले की रचना करिस। सृष्टिकरण के दूसरे दिन में परमेश्वर ने कहिस पानी के ऊपर एक दूरी हो और एक दूरी भय गई। परमेश्वर ने वह दूरी को आकाश कही। तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहिस पानी एक जगह में जमा हो जाए और सूखी जगह दिखाई दे। उन्हें सूखी जगह को पृथ्वी कहिस और पानी को समुन्दर कहिस। परमेश्वर ने यो देखिस कि जो कई उन्हें बनाए होतीस वो साजरो होतीस। तब परमेश्वर ने कहिस पृथ्वी हर तरीका के पेड़ और पौधा उगाए और असोज भय गईस। परमेश्वर ने देखिस कि जो कई ओने बनाए होतीस वो साजरो होतीस। सृष्टि बनान के चौथे दिन में परमेश्वर ने कहिस आकाश में ज्योति नाउन होए और सूरज चंदा और तारा नाउन बन गई। परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पे उजालो देन के गुना और दिन और रात और मौसम और साल में भेद करण के गुना बनाईस। पांचवे दिन परमेश्वर ने कहिस जिंदे जीव जंतु से प्राणी को भर दे और आकाश में पक्षी उड़े पाइजे। या तरीका से उन्हें पानी में तैरन वाले सपाई जीव जंतु नाउन को और पक्षी नाउन को बनाईस। परमेश्वर ने देखिस कि यो साजरो है और उनको आशीष देस। सृष्टि बनान के छठवें दिन में परमेश्वर ने कहिस जमीन पे रहन वाले हर तरीका के जानवर हो और परमेश्वर के कहे अनुसार वसोज भय गईस। कई जानवर चलन वाले, कई जमीन पे रेंगन वाले और कई जंगल में रहन वाले होती और परमेश्वर ने देखिस कि यो साजरो है। तब परमेश्वर ने कहिस आओ हम मानुष को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाबोन ही पृथ्वी पे और सपाई जानवर नाउन पे अधिकार रखे। और परमेश्वर ने माटी लेके ओके से मानुष को बनाईस और ओके में जीवन को सांस फूक देस और यो मानुष को नाम आदम रखीस। परमेश्वर ने आदम के रहन के गुना एक बड़ो बगीचा बनाईस और ओकी देखरेख करन के गुना आदम को वहां रख देस। वो बगीचा के बीच में परमेश्वर ने 2 खास झाड़ लगाईस, जीवन देन वालो और भले और बुरे के ज्ञान को झाड़। परमेश्वर ने आदम से कहिस कि तू वो बगीचा को जीवन को झाड़ और भले और बुरे के ज्ञान को झाड़ को छोड़ के दूसरे कोई भी झाड़ को फल खा सकतस। अगर तुम हु झाड़ को फल खाओ तो मर जाओ। फिर परमेश्वर ने कहिस मानुष को अकेलो रहनो साजरो निया, मगर कोई भी जानवर आदम को संगी नी भईस। एके गुना परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल देस। फिर परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकाल के ओके से उन्हें एक बाई को बनाईस और ओको आदम के जवर लेके आईस। जब आदम ने ओको देखिस तो उन्हें कहिस कम से कम या तो मोरे सारकी है या बाई कहलाए, काया कि या मानुष में से बनाई गई। याज कारण मानुष अपने माए बाप को छोड़ के अपनी लुगाइन के संग एक हो जाए। परमेश्वर ने मानुष और बाई को अपने स्वरूप में बनाईस
और उन्हें उनको आशीष देस और उनके से कहिस बहुत सारी संतान नाती और परनाती पैदा करो और पृथ्वी को भर देओ। और परमेश्वर ने देखिस कि जो कई भी उन्हें बनाए होतीस वो बहुत ताजरो होतीस और हुन सबसे बहुत खुश होतीस। यो सप्पाई बनान के बाद छठो दिन भईस। जब सातो दिन आईस तो जो कई परमेश्वर करत होतीस उन्हें ही सप्पाई काम को खत्म करीस। उन्हें सातवें दिन को आशीष देस और ओको पवित्र ठहराइस। काया की वा दिन उन्हें सप्पाई चीज को बनाए के विश्राम करीस। या तरीका से परमेश्वर ने संसार की और जो कई ओके में है ही सप्पाई की सृष्टि करीस।